हाय दोस्तों, मैं हूँ समीर और आपको हम बताने वाले हैं कि आप रिमोट कंट्रोल एयरटेल की जो रिमोट कंट्रोल ऐप है उसको आप कैसे डाउनलोड करें और कैसे चलाएं। बताना चाहेंगे कि ये रिमोट कंट्रोल का जो ऐप है वो सिर्फ एमआई मोबाइल में ही चलेगा, क्योंकि एमआई मोबाइल में सेंसर है, रिमोट का जो सेंसर रहता है वही है। यहाँ पे सर्च करें, अगर दूसरा मोबाइल में चलाना चाहिए तो आपको उसका रिमोट का सेंसर एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रिमोट कंट्रोल सर्च मत करिए, खाली रिमोट कंट्रोल सर्च करने से बहुत सारे रिमोट कंट्रोल आ जाती है। तो अगर ये एयरटेल का है तो इसके एयरटेल लिख दीजिए, उसके बाद सर्च करिए। देखिए मेरा पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है एयरटेल का रिमोट। देखिए यहाँ पे लिखा है कंटेन एड्स इन ऐप परचेस, ये जो कंपनी है इसी का ही जितना रिमोट है सब काम करेगा, बाकी का नहीं करता है। ऐप इन इन ऐप परचेस, ठीक है। तो यहाँ पे एयरटेल रिमोट लिख के आप देखिए, ये आपका जो रिमोट है सेम दिखता है, वही डाउनलोड कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आज का मॉडल जो है, पूरा मॉडल यहाँ पे है और ये सब जो है काम करेगा, ये ओरिजिनली है, ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो है गूगल का ऐप बनाता है ये कंपनी, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपका मॉडल है यहाँ पे उसका इमेज दिखाएगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये ध्यान जरूर रखें कि कोई भी मोबाइल में नहीं होता है, कोई भी मोबाइल में एक्सटर्नल आपको सेंसर लगाना पड़ता है, मगर रेडमी शाओमी का जो फ़ोन होता है उसमें पूरा में ही रिमोट कंट्रोल होता है। कुछ कुछ है जो कहते हैं कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है भाई, सेंसर है कि नहीं वो आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हैं मोबाइल में ये डाल देगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये देखिए, देखिए नीचे ओपन के ऊपर नीचे लिखा है इन ऐप परचेस और कंटेन एड्स, ये कंपनी का ही चलेगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा ये नया नया चैनल है।